हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लहसुन की चटनी शेयर करने वाली हूँ और ये मैं अपनी ही स्टाइल में बनाती हूँ। इसमें खास बात ये है कि ये तीखी तो होगी ही, लेकिन साथ में आपको स्मोकी फ्लेवर भी देगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे घर में जो झानी होती है या फिर आप कह सकते हैं डीप फ्राइंग स्ट्रेनर जो होता है वो ले लीजिए अगर आपके पास है तो। अगर ये नहीं है तो आप पापड़ जाली पर भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर जो पिल्ड लहसुन है और ग्रीन चिलीज हैं उन्हें इस तरह से टोस्ट कर रही हूँ कि इस पर सिर्फ स्पॉट्स आने चाहिए बन के, लेकिन ये जलना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह से हम इसे टोस्ट करते हुए पका लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च को पका लिया है और यहाँ पर जो हरी मिर्च और लहसुन है उन्हें थोड़ा सा हम कूल डाउन होने देंगे। फिर हम इसमें जो भिगोई हुई लाल मिर्च होती है साबुत, वो ऐड करेंगे। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टोमेटो, इससे भी इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर अगर आपके पास भिगोई हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें टोमेटो ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी कोरिएंडर सीड्स, उसके बाद मैं इसमें थोड़े से क्यूमिन सीड्स डालूँगी और इन सभी को मैं चटनी जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। साथ ही यहाँ पर एज़ पर टेस्ट आप सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा और इस सब को एक स्मूथ पेस्ट के फॉर्म में हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चटनी पीस कर रेडी कर ली है और आप देखिए ये कितने अच्छे से इसका टेक्सचर आया है, ना ज़्यादा स्मूथ है ना ज़्यादा दरदरा है। बस हमें इसी तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए चटनी का। यहाँ पर हमारी चटनी जो है ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसे तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जनरली इसे इसी तरह से रखना प्रिफर करती हूँ। अगर आप इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दीजिए ताकि ये थोड़े समय तक आपके रेफ्रिजरेटर में रहें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेमन जूस टैंगीनेस के लिए भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी तीखी स्मोकी फ्लेवर लाल लहसुन की चटनी बनकर रेडी है। आप इसे डोसा, पराठा या फिर आप इसे पापड़ी चाट किसी के भी साथ खाएँगे, आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।